वेलकम इन यूट्यूब चैनल YTK टेक्निकल। टुडे आई टेल टू यू द रिटन एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ यांत्रिक। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन कोस्ट गार्ड टेकिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ यांत्रिक एंड नाविक GD। सो आई टेल अबाउट स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट में आपको 60 क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। इसको सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 30 मार्क्स पे क्वालिफाई होगा और SC और ST के लिए 27 मार्क्स पे क्वालिफाई होगा। और जो टेक्निकल पार्ट बी है उसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और एवरी क्वेश्चंस एक मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें जनरल और OBC के लिए 20 मार्क्स पे क्वालिफाई एंड SC एंड ST के लिए 17 मार्क्स पे क्वालिफाई। एक नोट, इम्पोर्टेंट बात ये है कि पासिंग इन बोथ नॉन टेक सेक्शन 1 एंड टेक्निकल सेक्शन 2 इज़ सेपरेटली कंपल्सरी। मतलब दोनों ही सेक्शन में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है। ऐसे नहीं कि आप नॉन टेक सेक्शन में 60 में से 50 मार्क्स लाए और टेक्निकल सेक्शन में 50 में से 10 मार्क्स लाए तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। सो आपको दोनों सेक्शन में अलग अलग सेपरेटली पास होना है। ये जो टेक्निकल नॉन टेक सेक्शन है, नॉन टेक सेक्शन में 60 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स इज सेम फॉर ऑल द ट्रेड्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इन टेक्निकल पार्ट बी दिस इज 50 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स इज डिफरेंस फॉर ऑल द पोस्ट फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 50 क्वेश्चंस सबके ऑन ट्रेड के होंगे, मैकेनिकल वाले को मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल के एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स से 50 क्वेश्चंस मालूम किए जाएंगे। अभी जो नॉन टेक एग्ज़ाम में क्या आएगा, नॉन टेक एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस मैथ के, जो जनरल मैथ के होंगे, जिसमें टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे, जो 10th लेवल तक का साइंस होगा। 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के एंड 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन GK के। इस रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस में सबसे स्पेशल बात है कि इसमें 10 में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आपको फिगर सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाएंगे। दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, नो निगेटिव मार्किंग। आपको इस पूरे एग्ज़ाम के दौरान कोई निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। तो ये अभी एग्ज़ाम कोस्ट गार्ड का नया एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके अलावा टेक्निकल में जो भी पूछा जाता है उसके बारे में मैं आपको अलग से एक डिटेल्स वीडियो बना के अपलोड करूँगा। कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिससे सबसे ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है टेक्निकल में, मैं अपने ओन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ के लिए एक वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और यांत्रिक पोस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम के बाद कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, फिजिकल, मेडिकल और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ पे और कैसा होगा, इस चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल्स में हर एक टॉपिक पे एक अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। सो तब तक की, सो नाउ आई वांट टू से टू यू, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल पोस्ट के लिए जो यांत्रिक की जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में और कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर
एंड जय हिंद।